नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अगर आपके घर में आरओ लगा है तो उसका जो फिल्टर होता है, ये इसका यहाँ पे फिल्टर लगा था इसके अंदर, तो उसको कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा लगा है यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारा जो फिल्टर होगा वो हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये उसके दो पाइप लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दो पाइप होंगे, ये हमें निकालने रहेंगे, ठीक है। एक इनलेट और एक आउटलेट होता है, ठीक है। और जो यहाँ से उसकी जो मैंने स्विच यहाँ पे इसका जो की है उसको हम ये ऑन है, तो इसको हम इस तरह से पहले बंद कर देंगे, नहीं तो क्या पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। इनलेट और जो इसका आउटलेट है वो हम इस तरह से देखिए ये यहाँ पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वायर है ये हमारा, ठीक है, पाइप। तो इसको यहाँ से हम प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको पहले इस तरह से प्रेस करेंगे और धीरे से इस तरह से निकालेंगे। थोड़ा पानी निकलेगा स्टार्टिंग में, इसको हमें प्रेस करना इस तरह से। तो ये देखिए ये निकल गया इस तरह से। और इसी तरह जो दूसरा यहाँ पर लगा है, ये यहाँ पे दूसरा जो लगा है इसको भी हम यहाँ से पहले प्रेस करेंगे। ये वाला ऊपर हमें प्रेस करना है और इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये तो निकल गया, इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे जो लगा है इस तरह से। इस तरह से इसको पीछे से निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल देना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर देना, पूरा काफ़ी गंदा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे खोलेंगे हम वो देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से इसको थोड़ा इस तरह से आप करेंगे तो अंदर जो पानी होगा वो निकल जाएगा। तो वो पहले आप उसको पानी से जितना भी पानी है वो निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैं इसका पहले पानी निकाल देता हूँ। तो जितना भी पानी था मैंने निकाल दिया, तो फिर भी थोड़ा पानी बाकी रहेगा। तो अभी हम इसको कैसे खोलेंगे, तो ये जो फिल्टर ओपनर होता है, इसको आप फिल्टर ओपनर कहा जाता है, तो इसको हम इस तरह से इसके नीचे अंदर डाल के इसको हम ओपन कर दें, ठीक है। इसको खोलना पड़ेगा, तो इस तरह से हम इसको डालेंगे अंदर और इस तरह से ठीक तरह से टाइट कर देंगे, ठीक है। इस देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर इस तरह से इसको, तो जो हमारे ये फिल्टर ओपनर इसको इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक तरह से फिट कर देंगे और इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, ठीक है। बहुत टाइट होगा मगर मैंने इसको पहले एक बार खोल दिया इसलिए ये इसी तरह से खुल गया। फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी गंदा है, काफ़ी धूल मिट्टी लगे, और ये जो हमारा फिल्टर देखिए इतना गंदा है, कितने टाइम से इसको चेंज नहीं किया था, पूरा ये मिट्टी देख सकते हैं आप, पूरा काफ़ी गंदा है देखिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसका ये जो हमारा इसको हमें ठीक तरह से इसको धो के साफ़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमने जो नया लिया है मैंने फिल्टर, उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अभी कैसे लगाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरा इसको साफ़ कर दिया, ये देख सकते हैं पूरा सफाई कर दिया, ठीक है। ये देखिए इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंदर से हमने पूरा इसको क्लीन कर दिया है। तो ये देखिए जो मेरा जो फिल्टर था काफ़ी है, इसमें धूल मिट्टी लगी थी, ये देखिए पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप 6-7 महीने इस तरह से रखोगे तो इस तरह से हो जाएगा। आपको फ़िल्टर जो होता है तो उसको 3-4 महीने में उसको बदलना रखिए। ये हमने नया फिल्टर लिया जो मुझे 100 रुपये के रन पड़ा, ठीक है, 100 रुपीज़ में ये मिला है मेरे को। तो ये अभी हम इसके अंदर लगा देंगे। जो फिल्टर आप 3 या 4 महीने में इसको चेंज करने के लिए चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम रखोगे तो इस तरह से हो जाएगा, और अगर ज़्यादा और टाइम रखोगे तो आपको और भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है। अभी सिंपली इसको जो प्रेस करना है इस तरह से हम इसको लगा देंगे अंदर, इसको इस तरह से डाल देना अंदर, और जो रिंग आएगी इस तरह से, ये रिंग यहाँ पर इसको लगा देंगे। और जो इसका जो हेड है कवर, इस तरह से इसको ठीक तरह से लगा के घुमा देंगे। पहले अपने हाथ से इसको घुमा दीजिए पूरा जितना हो सके, इसके बाद ये फिल्टर ओपनर का यूज़ करेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। अभी टाइट हो चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिक्सिंग करते हैं, जिस तरह से हमें निकाला उसी तरह से उसको लगाना, जो ये मैंने बताया जो हमने पाइप निकाले थे यहाँ से, इसका ये इनलेट और ये आउटलेट था उसी तरह इसको हम लगा देंगे। तो पहले ये यहाँ से इस तरह से ये हमारा देख सकते हैं इनलेट है, तो इस तरह सिंपल इसको लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से, बस प्रेस कर दिया, लगा दिया, प्रेस करके ऐसा लगा देना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो आउटलेट का है वो भी इस तरह से हम लगाएंगे और इसको ध्यान से देखिए इस तरह से, बस इस तरह से इसको फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम यहाँ पे जहाँ से निकाला था उसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमने अपने जगह उसकी जगह पर फिट फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये बंद किया था उसकी जो कि इसको ऑन कर दें, यानी पानी स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस और इसमें हम भी क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इसको पूरा भर देंगे,
ठीक है, पानी को फिर एक बार जितना भी भरी जाएगा अपन उसको फिर से निकाल देंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद ही आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले एक बार उसको भर पूरा भर जाने दीजिए और जो भी पानी है उसको निकाल दीजिए, इसके बाद ही आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तुरंत यूज़ नहीं करना है इसके लगाने के बाद, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे ये है इसके अंदर जो फिल्टर है वो चेंज कैसे करते, तो यहाँ से इसका इनलेट आउटलेट था वो हम खींच के निकाल देंगे, ठीक है। और जो फिल्टर ओपनर होगा उसकी हेल्प से इसको खोलेंगे, इसके अंदर से जो फिल्टर होगा वो निकाल देंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, और इसके डाल के इस तरह से सिंपल इसको इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार पानी इसको भरने दीजिए, उसको निकाल दीजिए, फिर इसके बाद इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।